रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा लुक आता है, देखो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये आईब्रो टाइप की होगी। YouTube चैनल रवि आरएस, दोस्तों मैं आपका भाई रवि। तो इस वीडियो में आपको आरएस दिख रही होगी, इस आरएस की मॉडिफिकेशन कराई है। तो मॉडिफिकेशन जो हुई है वो हुई है टफिन शॉप से, जो है करोल बाग में, ठीक है। टफिन शॉप का मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भैया का नाम बता दूंगा, जिन भैया ने मतलब वो किया है, वो मॉडिफिकेशन करी है, और मतलब बहुत ही अच्छा काम हुआ है, ठीक है। नो वायर कटिंग, नो कुछ, ओनली कपलर टू कपलर काम हुआ है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको सीधा दिखाते हैं इसका व्यू, क्या क्या मैंने काम करवाया है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा बाइक एक्चुअली जब इग्निशन ऑन करते हैं ना तो दिखती कैसी, लगती कैसी है। तो चलो फिर सीधा आपको बताते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। मॉडिफिकेशन हुई है, मैं आपको बता देता हूँ पर्टिकुलर, मतलब वो हर पार्ट का आपको प्राइस बता दूंगा, क्या क्या कितने का लगा। फर्स्टली बात करते हैं इस वाइज़र की, जो ये वाइज़र है वो मेरे को ऑनलाइन मिल रहा था बस, और ऑनलाइन भी आपको पता है कि जैसा हम देखते हैं वैसा मिलता नहीं है, तो मेरे को वहाँ पर मिला है टफिन की शॉप पे। अकेली टफिन की शॉप है जिस पे आपको ये वाला वाइज़र मिलेगा, क्योंकि ये वाला वाइज़र जो है ना केरला इंस्पायर्ड है, मतलब केरला की बाइकों में लगता है ज़्यादातर आरएस में, तो बहुत अच्छा लगता है, जिसको भी लगवाना आप लगवा सकते हो, देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट है। सेकेंड बात करते हैं हम इसकी मिरर की, ये मिरर है अपने कार्बन फिनिश्ड में, आप ये देख सकते हो पूरा कार्बन फिनिश्ड है, और यहाँ पर एलईडी है दोनों तरफ, जैसे कि अरबाज भाई की स्कूटी में लग रहे हैं वैसे ही हैं। तो ये मिरर भी वहीं से लगे हैं, ठीक है। अभी प्राइस आपको पूरा बता दूंगा। थर्ड चीज़ इसमें लगी है रिंग लाइट, आप ये देख सकते हो ये रिंग लाइट लगी है दोनों तरफ, और बहुत ही अच्छी लगती है जब जलती है, आपको दिखा दूंगा। फोर्थ चीज़ आप लगवा सकते हो ये विंगलेट, ये विंगलेट मैंने पहले ही लगवा लिया था बट मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो, लास्ट में प्राइस पूरा बताऊँगा इसका क्या क्या है। उसके बाद आ जाते हैं पे, ये है लीवर गार्ड, ठीक है, ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने पहले ही लगवा लिया था, जैसे कि विंगलेट लगवा लिया था बट मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं उस टाइम यूट्यूब पे नहीं था। तो ये मैंने लगवाया लीवर गार्ड, ये सच्ची में आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है और इम्पैक्ट होने से बचाता है आपको, ठीक है। बेसिक मैंने इतनी ही मॉडिफिकेशन कराई है क्योंकि अभी ज़्यादा करना नहीं है, और इन फ्यूचर मैं इसको रैप करवाऊँगा तो वो भी बताऊँगा कहाँ से हो रहा है क्या हो रहा है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ सीधा प्राइस, अब प्राइस क्या क्या है इसका। ये जो वाइज़र है ये पड़ा है मेरे को 600 अराउंड, फिटिंग चार्जेस नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम आप जाओ उस टाइम पता नहीं क्या चार्जेस चल रहे हैं, फिटिंग चार्जेस मैं बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करूँगा। ये वाइज़र है 600 रुपीज़ का, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप परचेज करोगे ऑनलाइन 700 अराउंड पड़ता है, तो आपको मतलब सस्ता ही पड़ रहा है करोल बाग में जाके। जो NCR से देख रहे हैं वीडियो वो आराम से जाके करवा सकते हैं, वीडियो का आप वीडियो दिखा देना भैया को, भैया अपना आप ही ये वाला बता देंगे। सेकेंड चीज़ जो आपको बताई थी, ये मिरर्स, ये मिरर मेरे को पड़े हैं 1400 के, ठीक है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपके जो पुराने आरएस के होते हैं उसमें इतनी नहीं दिखती, उसमें सारी पूरी कोनी वगैरह दिखती है, इसमें विजिबिलिटी भी अच्छी है, लुक भी बहुत इन्हेंस होकर आती है बाइक की। और उसके बाद आते हैं रिंग लाइट पे, तो रिंग लाइट पड़ी है हमें 500 की, ठीक है, 500 की पड़ी है ये दोनों की दोनों। विंगलेट जो था मेरे को याद है शायद 450 रुपये का था, ये मेरे को ध्यान नहीं है, अब शायद सस्ता है महंगा हो गया वो देख लेना। और ये जो लीवर गार्ड था, ये लीवर गार्ड है, ये लीवर गार्ड पड़ा है मेरे को 550 या 600 रुपये का था ये भी, तो आप देख सकते हो पूरी। अब मैं एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली दिखती कैसी है जब अब लाइट जलती है, बाकी रात में आपको शॉट दिखाऊंगा कि ये दिखती कैसी है, बाकी बहुत ही अल्टीमेट लगने वाली है, ये देख सकते हो। और आपको दिख रहे होंगे मैंने टायर पे हाईलाइट करा हुआ है, तो ये मैंने बस बेसिकली फैब्रिक कलर आता है स्टेशनरी से मिल जाएगा, और छोटा सा ब्रश ले लेना उससे आप कर सकते हो, इजीली हो जाता है। मैंने चारों तरफ कर दिए, ठीक है, तो मैं एक बार ऑन कर देता हूँ इग्निशन, देना आपको दिखाता हूँ। तो एक देख सकते हो आप इतनी मस्त लग रही है, ठीक है। और ये जो ब्लिंकर्स हैं, ये ब्लिंकर सिमटेक के हैं, जिस टाइम मैंने परचेज किया था उस शॉप से उस टाइम उसके रेट थे 1300 अराउंड, मतलब आज से 1.5 साल पहले, बट अब शायद रेट अप्स एंड डाउन हो गए होंगे, आप देख लेना, बट आप सजेस्टेड है आप ये करवा सकते हो, बहुत अच्छी लग रही है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब सीधा आपको रात को व्यू दिखाएंगे कैसा है, देन मिलते हैं आपको ना। रात का लुक देख सकते हो कुछ इस तरीके का आता है इसके, ये मिरर्स ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लुक आता है, देखो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये आईब्रो टाइप की होगी, तो आप ये देख सकते हो। और ये जो फ्लैशर्स हैं ना, ये फ्लैशर्स सिमटेक के हैं, जैसे कि मैंने शायद स्टार्टिंग में बता दिया होगा आपको, नहीं बताया तो आपको दोबारा बता देता हूँ, ये फ्लैशर्स जो हैं ये सिमटेक के हैं, ये भी आपको उसी शॉप पे मिल जाएंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। बाकी आप देख सकते हो कितनी खतरनाक लग रही है, तो आप ये देख सकते हो। तो आप इसमें ये देख सकते हो, इसमें मैंने एक नाइट आई की लाइट और लगा रखी है,
ये हेडलाइट में मेरी इंस्टॉल्ड है, ये पड़ी थी मेरे को 2200 अराउंड की, अब पता नहीं कितने की है, जिस टाइम मैंने बाइक ली थी उसी टाइम लगा दिया था, ये ऐड ऑन करना रह गया था लास्ट में, इसलिए ऐड कर रहा हूँ उसको। बाकी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका अपना, और इसके एक बार हाई बीम ऑन करके दिखाता हूँ। देख सकते हो मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, बाकी आपको दिख रहा होगा, ये इसकी हाई बीम है, तो लुक देखो कुछ इस तरीके की आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी लुक आती है इसकी जब ये ऐसे खड़ी रहती है। ब्लॉग अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको मॉडिफिकेशन पसंद आई होगी, तो जिसको भी मॉडिफिकेशन करवानी है, चाहे आपकी बाइक कोई सी हो, नो मैटर R15 MT15 कोई भी हो, कोई भी, तो बस टफिन की शॉप पे जाएं, टफिन भैया के शॉप पे जाएं, और वहाँ पर बस मेरे चैनल का बता देना कि भैया के चैनल को देख के आए, जैसा बताओगे आपको रिगार्ड किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए, और हाँ 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 यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट करके जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना, RS के रिगार्डिंग बस, बाकी और व्हीकल के रिगार्डिंग मैं नंबर डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भैया का, आप उनसे पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको सब मिलेगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, घर पे सेफ रहे, जय हिंद।